नमस्कार, बीके बिजनेस आइडिया चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिशवाश लिक्विड बनाने का तरीका। चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन घंटी दबा दे, जिससे कोई भी वीडियो बना आपके पास तुरंत पहुंच सके। देखिए, इस वीडियो में हम डिशवाश लिक्विड एक बहुत बढ़िया फार्मूला बनाएंगे, तो आप वीडियो को देखते रहिए। इसका पीएच भी बहुत बढ़िया बैलेंस रहेगा। सबसे पहले आपको कास्टिक सोडा लेना है और उसके बाद वाटर। यहाँ पर देखिए, आप अगर कास्टिक सोडा ले रहे हैं 10 ग्राम, समझ में आ गया, तो उसमें आप इतना वाटर डालिए कि उसका पीएच थोड़ा कम हो जाए। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने थोड़ा सा इसमें कास्टिक सोडा लिया और इसके बाद हम इसका पीएच चेक करेंगे कि इसका पीएच कितना है। मतलब आपको 10 ग्राम अगर कास्टिक सोडा ले रहे हैं तो आप उसमें इतना वाटर डालिए कि उसका पीएच थोड़ा कम हो जाए। देखिए, अब इसका पीएच थोड़ा कम हो गया है। इसका पीएच आप देख रहे हैं तो 11 के लमसम है, मतलब 11 से ज़्यादा नहीं है इसका, समझ में आ गया। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे एसी डिसलरी। आप इसमें 20 ग्राम ऐड करेंगे, समझ में आ गया। जैसे मान लीजिए आपने 10 ग्राम कास्टिक सोडा लिया, उसमें आप ज़्यादा वाटर ऐड करेंगे जिससे उसका थोड़ा पीएच कम हो सके, और उसके बाद उसमें आप ऐड करेंगे 20 ग्राम एसी डिसलरी। यह आप अपने क्वालिटी के हिसाब से बना सकते हैं। अगर आपको और बढ़िया ज़्यादा क्वालिटी चाहिए तो आप इसमें 10 ग्राम और ऐड कर सकते हैं एसी डिसलरी, मतलब 30 ग्राम ऐड कर सकते हैं। अब इसे आपको अच्छी तरह से मिला लेना है। यह आपका एक लिक्विड बन के तैयार हो गया। अब इसका हम पीएच चेक कर लेंगे कितना है। तो देखिए, अभी यह 11 बता रहा है, तो यह अब सही है, समझ में आ गया। अब हम इससे बनाएंगे डिशवाश लिक्विड। तो डिशवाश लिक्विड मैंने पिछले वीडियो में आपसे बताया था कि डिशवाश लिक्विड ऐसा प्रोडक्ट है जिसे हम डायरेक्ट अपने हाथों से यूज करते हैं, समझ में आ गया। जैसे मान लीजिए अगर हम डिटर्जेंट पाउडर ऐड करेंगे तो उसे हम वाटर में ऐड करते हैं, और उसके बाद उसमें हम ज़्यादा वाटर मिलाते हैं पानी, तब जाकर उसे हम यूज करते हैं, उसमें कपड़े धोते हैं। लेकिन डिशवाश लिक्विड ऐसा है कि जिसे हम डायरेक्ट यूज करते हैं बिना वाटर मिलाए, तो इसीलिए इसका पीएच 7 से 8 होना चाहिए। अगर 9 भी है, 10 भी है, तब भी चलेगा, मतलब ग्रीन होना चाहिए, समझ में आ गया। पीएच का मतलब ग्रीन, जैसे जब ग्रीन आपको दिखाई दे, पीएच का पेपर जो होता है ग्रीन बताए, तो समझ लीजिए आपका यह सही है। अब डिशवाश लिक्विड बनाने के लिए एसएलएस लिक्विड लेना है और इसमें ऐड करना है, या जो हमने लिक्विड बनाया है इसे आप थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे, और इसमें थोड़ा आप साल्ट ऐड करेंगे अपने हिसाब से, जिससे थिक हो जाए, गाढ़ा हो जाए। देखिए, अब यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा इसमें साल्ट ऐड कर रहा हूँ जिससे यह गाढ़ा हो जाए। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए इस चैनल पर। मैं बहुत जल्द अपना एक लैब भी बनाऊँगा, उसका भी वीडियो आएगा बहुत जल्द। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, मतलब वीडियो आप देखिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक बीके बिजनेस आइडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को, तो सब्सक्राइब भी कर लें। देखिए, अब ये थिक हो गया है डिशवाश लिक्विड हमारा। अब इसका हम पीएच चेक करेंगे कि इतना बता रहा है, लेकिन उससे पहले आप इसे बढ़िया से मिला लेंगे, क्योंकि देखिए कोई भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, या आप डिटर्जेंट पाउडर एंड वाट डिशवाश लिक्विड लिक्विड डिटर्जेंट कुछ भी बना रहे हैं, तो उसे मिलाना ज़रूरी होता है। मतलब 10 से 15 मिनट इसका प्रोसेस होता है। आप इसे जब बढ़िया से मिलाएंगे तभी यह बढ़िया काम करेगा। देखिए, ये थिक हो गया है। अब इसे हम चेक करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका पीएच बहुत कम बता रहा है। इसका पीएच आप देख सकते हैं तो 6 बता रहा है, तो यह बहुत कम है, इससे बढ़िया बर्तन साफ नहीं होगा। तो इस लिक्विड को हम थोड़ा और ऐड करेंगे, और उसके बाद इसे फिर अच्छी तरह से मिलाएंगे, और तब देखते हैं इसका पीएच कितना बता रहा है। Thank you.
आप इसमें साल्ट थोड़ा थोड़ा करके ऐड करिएगा। अगर आप एक साथ ज़्यादा साल्ट ऐड कर देंगे तो आपका डिशवा लिक्विड फट जाएगा, ख़राब हो जाएगा, इसीलिए आप इसमें साल्ट थोड़ा थोड़ा करके ऐड करिए। जब यह बढ़िया से थिक हो जाए, गाढ़ा हो जाए, तब आप साल्ट डालना बंद कर दीजिए। देखिए यह बढ़िया से थिक हो गया है। अब हम इसका पीएच चेक कर लेंगे। तो देखिए इसका पीएच 9 से 10 बता रहा है, मतलब यह आपका बहुत बढ़िया डिशवॉश लिक्विड बन के तैयार हो गया। यह आपके हाथों को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वैसे नियम तो यह है कि कोई भी प्रोडक्ट 7 से 8 उसका पीएच रहता है तो आपके हाथों को, स्किन को नुकसान नहीं पहुँचाता है। लेकिन यह डिशवॉश लिक्विड है, अगर इसका पीएच हम 7 से 8 करेंगे तो यह सफाई में बहुत कम हो जाएगा, मतलब बर्तन साफ बढ़िया नहीं करेगा। तो इसीलिए इसका पीएच 9-10 है, यह आपको कोई भी दिक्कत नहीं करेगा। यह एक बढ़िया क्वालिटी का डिशवॉश लिक्विड बन के तैयार हो गया। अब हम इसमें ऐड करेंगे फूड कलर और परफ्यूम। देखिए अब यह आपका एक बढ़िया क्वालिटी का डिशवॉश लिक्विड बन के तैयार हो गया, जिसका पीएच भी बहुत बढ़िया है। समझ में आ गया? तो आप इस तरीके का डिशवॉश लिक्विड बनाकर घर पर भी यूज कर सकते हैं और मार्केट में सेल भी कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आप अगर बिजनेस करना चाहते हैं, आपको अगर कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन घंटी दबा दें, जिससे कोई भी वीडियो बना आपके पास तुरंत पहुँच सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।